हेलो, वेलकम टू मोनीज किचन। और आज हमारी रेसिपी है मैंगो शेक एंड मैंगो लस्सी। अब गर्मियों में मैंगो शेक नहीं पिया तो फिर क्या पिया। इसके लिए सबसे पहले मैंने मैंगो शेक बनाने के लिए ये जो मैंगो है उसको मैंने कट कर लिया ऐसे बीच में से क्रॉस लगाकर, और चम्मच से मैंने इसको निकाल लिया है इस तरह से। मैंगो देखिए कितना जूसी मैंगो है। इसको सबसे पहले हम जार में डालेंगे, हम जितने भी मैंगोज कट किए हैं। उसके बाद हमने दूध लिया है, दूध आप कैसा भी लें, बॉयल लें चाहे कच्चा लें, दोनों तरह के दूध आप ले सकते हैं। इलायची पाउडर डाला है मैंने इसमें, आइस डाली है, और फिर हम शुगर ऐड करेंगे इसमें जितना भी आपको। अगर आपका मैंगो बहुत ज़्यादा मीठा है तो आपको शुगर कम ही ऐड करना, और बिना शुगर ऐड करे भी आप बना सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और बस ये मिनटों में ही हमारा ये मैंगो शेक बनकर रेडी है। इसे हम ग्लास में डालेंगे मैंगो शेक को। ये कितना थिक, इसका टेक्सचर कितना अच्छा बना है। अगर आपको थोड़ा सा पतला चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा दूध या फिर थोड़ा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से। मैंने पिस्ता और बादाम लिया है, उसको छोटे छोटे चॉप कर लिया है मैंने उसको, और ये हमारा मैंगो शेक बनके रेडी है विद ड्राई फ्रूट्स। अब मैंगो शेक हमारा बनके तैयार हो गया, उसके बाद हम बनाएंगे मैंगो लस्सी। मैंगो लस्सी भी हम इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह मैंगो शेक बनाया है। मैंगो लिए हैं मैंने, और एक कटोरी मैंने इसके लिए दही लिया है, इसको ऐड करेंगे इसमें। उसके बाद हम इसमें एक चम्मच शहद ऐड करेंगे, ज़रूरी नहीं आप इसे डालें, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट के लिए मैंने इसमें डाला है शहद को। उसके बाद मैंने थोड़ा एक चम्मच शुगर ऐड करी है, और दही इसको आपको ना दही ना फ्रेश लेना है। दही जितना मीठा होगा उसका टेस्ट उतना अच्छा आएगा, खट्टा दही थोड़ा सा खट्टा खट्टा टेस्ट हो जाएगा मैंगो लस्सी का, इसलिए फ्रेश दही यूज़ करना। उसके बाद मैंने डाला इसमें इलायची पाउडर, आइस ऐड की है, और ये थोड़ा सा पानी, क्योंकि दही थोड़ा सा थिक है तो हल्का सा उसका अच्छा आ जाए टेक्स्चर। और इसे फटाफट से मिक्स करके आप बना लेंगे ऐसे ही। ये बनके रेडी है, अब इसे ग्लास में डालेंगे हम मैंगो लस्सी को। ये भी कितनी थिक बनी है, और आपको थोड़ा सा पतला करना है तो पानी ज़्यादा ऐड कर लेना आप। और इसके ऊपर डाले मैंने जो मैंगो के पीसेस थे कटे हुए, जो मैंने कट करके रखे हुए थे, उससे मैंने इसको थोड़ा सा गार्निश किया है। और ये हमारी मैंगो लस्सी बनके बिल्कुल रेडी है। आपको मैंगो की ये दोनों रेसिपीज कैसी लगी हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और लाइक भी कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल।